नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल चौहान का इस्तीफा, नवागत अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, नए अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर दिया इस्तीफा। अतुल चौहान की ताजपोशी को लेकर चल रही थी नाराजगी। राहुल चौहान ने नवागत अध्यक्ष को बताया, भाजपा बी टीम का अध्यक्ष जिनकी पहचान बीजेपी के एजेंट के रूप में हो, उनके साथ नहीं कर सकते काम। ताजपोशी के दिन से ही दिख रही थी जिला कांग्रेस में फूट की आशंका। श्योपुर संवाददाता मनोज कश्यप की रिपोर्ट। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बगावत का सुर नहीं है। मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और हमेशा रहूँगा, और पार्टी के लिए हमेशा दिल लगाकर मैंने काम किया है और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन वर्तमान जिला अध्यक्ष की जो नियुक्ति माननीय कमलनाथ जी द्वारा की गई है, इस नियुक्ति से मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ और वर्तमान जिला अध्यक्ष की कार्यकारिणी में मैं काम नहीं कर सकता हूं। मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, ऐसे लोगों के संग मैं कार्य नहीं कर सकता जो पहले से ही भाजपा की बी टीम के सदस्य, यहां से ऊपर मैं जिनकी पहचान बनी हुई सदस्य बी टीम के कहे जाते हैं। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए और मेरे जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इन्होंने भी खुलकर नाराजगी जताई है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आपको भी मालूम होगा, अभी 21 मई को विधायक जी के निवास पर पुण्यतिथि मनाई गई थी। उस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने इस नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए मैं अपने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं बिना पद के पार्टी में निष्ठा के साथ कार्य करता रहूँगा। अभी एक खबरें और चल रही नेताजी की, रामनिवास रावत के विरोध में।